जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धनतेरस के आगमन से दीपावली की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस इस 5 दिन के त्योहार का पहला दिन होता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि धनतेरस मनाने के पीछे क्या मान्यता है? इस दिन हमें क्या करना चाहिए और किन वस्तुओं को खरीदना चाहिए? मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान और वैराग्य में। आज की इस वीडियो में हम आपको धनतेरस से जुड़ी बहुत सी जानकारियां देने वाले हैं। धनतेरस सनातन धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, लेकिन हम में से बहुत से लोगों को धनतेरस से जुड़ी कथा एवं इसकी महत्वता के बारे में पता नहीं है। तो चलिए सुनते हैं धनतेरस की पावन कथा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का दिन धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन समुद्र मंथन के समय हाथों में अमृत कलश लिए भगवान विष्णु जी धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए थे। इस विषय में विस्तार से कई पुराणों में भी इसका उल्लेख किया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान धन्वंतरी स्वयं महान पुरुष है और साक्षात नारायण के अंश का स्वरूप है। पूर्व काल में जब समुद्र का मंथन हो रहा था, उस समय महासागर से उनका प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए भगवान विष्णु के धन्वंतरी रूप में प्रकट होने पर यह धनतेरस का पावन दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कुछ ऐसी प्रथाओं के बारे में जो धनतेरस पर करनी चाहिए। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप सभी को जिन वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं, वे सभी आप अपने अनुसार धनतेरस के दिन अपने घर में ला सकते हैं। धन त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी हाथ में कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस दिन बर्तन आदि खरीदने की प्रथा है। धनतेरस के दिन कोई भी नया काम शुरू किया जा सकता है और इस दिन सोने चांदी के आभूषण एवं नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू का सही इस्तेमाल हमारे जीवन में धन की प्राप्ति ला सकता है। बहुत से लोगों की यह धारणा होती है कि झाड़ू लक्ष्मी जी का स्वरूप होती है, परंतु ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि झाड़ू लक्ष्मी जी को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक यंत्र है। जहाँ स्वच्छता होती है, वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। जब आप धनतेरस वाले दिन नई झाड़ू खरीदकर उसी झाड़ू से अपने घर की साफ सफाई करते हैं, तो यह नकारात्मकता को घर से बाहर कर देती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। साबुत धनिया एक ऐसी वस्तु है जो हर कोई ला सकता है। साबुत धनिया लाने के बाद उसे अपने घर के किसी गमले या क्यारी में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में बरकत होती है और अनावश्यक खर्चों पर भी रोक लग जाती है। इस दिन नमक खरीदना भी शुभ माना जाता है। यदि आप डली वाला नमक लाते हैं तो और भी अच्छी बात है, वरना सेंधा नमक भी ला सकते हैं। धनतेरस के दिन से शुरुआत करते हुए भाई दूज तक आप इसी नमक का प्रयोग करें। ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और साथ ही नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर हो जाती है। अगली वस्तु है गोमती चक्र। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में गोमती चक्र होता है, वहां सुख सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। दोस्तों, एक और वस्तु है सात मुखी रुद्राक्ष। यदि आप धनतेरस के दिन सात मुखी रुद्राक्ष को घर पर लाते हैं और फिर इसकी विधि विधान से पूजा करते हैं, या फिर भगवान शिव की पूजा करते समय आप इस रुद्राक्ष का प्रयोग करते हैं, तो इससे आपके घर में कभी भी परेशानी नहीं आएगी और अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहेगा। सनातन धर्म में दीपावली 5 दिनों का उत्सव होता है। धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजन एवं भाई दूज। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी से निवेदन है
कि अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।